किडनी डिसीज मतलब गुर्दे की बीमारी और मनोविकार, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गैकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है, बाकी जगह भी हॉस्पिटल्स है। ये जो अभी पेशेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका वीडियो बताने वाला हूँ, इसको ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम मतलब शारीरिक बीमारी थी, फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। ऐसा गले में ऐसा लगता था कि घुटन जैसा लगता था, निगलने आता नहीं था, फिर सीने में बहुत तकलीफ होती थी, बदन में पूरा दर्द होता था, पागल चाले कर रहा था, ऐसा लगता था कि मतलब बाल पागल जैसे ऐसे बना लिए थे पूरे, बहकी बहकी बातें करना, और ऐसा पूरा है भाई, इसका दिमाग ख़राब हो गया। इसके लिए उन्होंने हमारे पास में उसको लाए। उन्होंने जब देखा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है भाई, ये एकदम अचानक हुआ क्या, फिर मालूम पड़ा कि धीरे 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 पिछले 6 महीने से ऐसा कर रहा है, मगर मालूम नहीं पड़ा कि ऐसा प्रॉब्लम है। थोड़ी थोड़ी भैकी भैकी बातें, थोड़ा सा ऐसा अजीब तरह का उसका बर्ताव ऐसा दिख रहा था। हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि भाई इसके खून में सोडियम मतलब नमक और पोटेशियम ये कम है। जब सोडियम पोटेशियम कम है, इसका मतलब ये हो गया कि उसको किडनी का कुछ तो भी प्रॉब्लम है, जिससे सोडियम और पोटेशियम पेशाब में बहुत ज़्यादा जा रहा है। उसका इलाज हमने चालू किया, वो सोडियम जो नाम ये कम था वो उसको बाहर से सोडियम दिया, पोटेशियम दिया, उसका सोनोग्राफी किया, उसमें मालूम पड़ा कि किडनी का इसका कुछ तो भी प्रॉब्लम है। किडनी क्रॉनिक रीनल डिसीज़ ऐसा जो बोलते हैं, तो वो उसको बीमारी है, उसके वजह से ऐसा उसको हो रहा है। उसके बाद जब सोडियम पोटेशियम ठीक कर दिया, उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा, अभी धीरे धीरे उसको फ़र्क पड़ जाएगा। और तो मैं आपको ये वीडियो बताता हूँ, जरा गौर से देखिए वीडियो। नाम क्या है आपका? कृष्णा। कृष्णा नाम है? हाँ। क्या तकलीफ होती है? हिंदी में बोलो। हिंदी में मृत्यु आने जैसा होता, मृत्यु आ गया ऐसा लगता, मतलब मर जाऊंगा ऐसा लगता छाती में। और क्या लगता? आँखों में कमजोरी, अंधा होने का डर। आँखों में कमजोरी और जवान घूम जाती, जवान घूम जाती, बाल में शैतान जैसे बाल बनना चाहिए। हाँ, शैतान जैसे क्या होता? बाल बना दिए, शैतान जैसे बाल बना दिए थे। अच्छा, और गले में अटकता था, गले में अटकता था। हाँ। और कमजोरी? कमजोरी। और बहकी बहकी बातें करता था? हाँ, बहकी बहकी बातें करता था। हाँ। देखो, ये जो है, इनको हमने जब हमारे यहाँ एडमिट किया तो हमने इनका सब जांच किया। जांच करने के बाद में मालूम पड़ा कि इनको इनके खून में सोडियम और पोटेशियम कम, सोडियम पोटेशियम की कमी दिखाई दिया, और सोडियम पोटेशियम की कमी जब हमने भर के निकाला तो इनको बहुत फ़ायदा हुआ और अभी नॉर्मल हो गए, काफ़ी नॉर्मल है अभी। तो ये किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी डिसीज़ है, और किडनी डिसीज़ से इनको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो गया है, किडनी डिसीज़ से। तो ये किडनी डिसीज़ से ऐसा हो रहा है, अभी ठीक है अभी ये। तो ऐसा होता है कि लगता है मानसिक कि भाई मानसिक बीमारी है, मगर कोई शारीरिक बीमारी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हमारे तरफ जो भी पेशेंट हमको मतलब हमारे तरफ लाते हैं तो उसको पूरा मानसिक ही है, ऐसा नहीं है। इसलिए हर पेशेंट जब आता है तो हम देखते हैं कि उसको कोई शारीरिक बीमारी है क्या। जैसे ये पेशेंट को था किडनी की बीमारी और उसके वजह से उसको मेंटल बीमारी हो रही थी, तो उसको मेटाबॉलिक इनकैपेबिलिटी हुई थी, तो वो हमने इन्वेस्टिगेट किया, वो ठीक कर दिया, तो पेशेंट ठीक हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जो हमारे पास में आते हैं मगर उनको ये शारीरिक बीमारी, या उल्टा होता है कि उनको मानसिक बीमारी होने के बावजूद भी कोई शारीरिक बीमारी है करके वो और कहीं इलाज करते रहते हैं और मानसिक बीमारी वैसी बढ़ती जाती है। दोनों का इलाज होना जरूरी है एक साथ, वो हम कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे यदि आप बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।